बारे में इस न्यूज लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। सिपाही के मौत के बाद हंगामा, नक्सलियों की सफाई, जाट कॉलेज में की गई फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। सिपाही की मौत के बाद हंगामा और तोड़फोड़। पटना के पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने अपने एक साथी की मौत के बाद बवाल कर दिया है। पुलिस यह जनता की रक्षा करने हेतु रक्षक कहलाते हैं, फिर ऐसे में अगर पुलिस कर्मियों की कोई हत्या कर दे तो पूरा प्रशासन गुस्से में ही आ जाता है। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने से महिला सिपाही की मौत हो गई है और छुट्टी न मिलने से पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन में घुसकर तांडव मचा दिया। नक्सली हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद की मौत हो गई थी, तो वही नक्सलियों ने प्रेस विज्ञापन जारी कर शाहू की शहादत पर सफाई दी है। दरबार डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने प्रेस विज्ञापन कर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एम्बुश सुरक्षा बलों के लिए लगाया गया था और शाहू उसमें फंस गया। पत्रकारों को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। जाट कॉलेज के पास देर रात तक आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने फायरिंग की, उसमें दो छात्रों की मौत हो गई है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।